नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्रांतिकारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट पार्टी भी है। प्रदेश के 8 विधानसभा से कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उतारे। पार्टी की ओर से गोविंदपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कामरेड विनोद लोगारिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें, गोविंदपुरा सीट पर लंबे समय से भाजपा का कब्जा है। क्रांतिकारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट की ओर से गोविंदपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कामरेड विनोद लोगारिया ने नामांकन दाखिल किया। विनोद लोगारिया ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन जमा किया। पार्टी के जिला सचिव उदित भटनागर ने इंडिया टाउन न्यूज को बताया कि SUCI कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से देश और प्रदेश में चल रही तमाम जन समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन विकसित कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी मध्य प्रदेश के 8 विधानसभा सीटों में भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी विनोद लोगारिया लगातार भेल सहित देशभर में ट्रेड यूनियन और जन आंदोलन संगठित करने के साथ छात्र जीवन में छात्र आंदोलन को विकसित करने वाले प्रत्याशी हैं। जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का जो मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि गोविंदपुरा विधानसभा में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, भेल है, जिन फैक्ट्री बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और इनसे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। और भेल में ज़्यादातर ठेका प्रथा चल रही है, स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति बंद है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर, और सड़कें भी मुद्दा हैं, और देश में हम देख रहे हैं पूरा जो महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं, इन सभी के खिलाफ हमारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट लगातार आंदोलन करती है, सड़कों पर रहती है। और यही सड़कों की आवाज़ को विधानसभा में पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।